लेसन नंबर 19, ये पोयम है अ प्रेयर फॉर हीलिंग। हीलिंग मतलब, हीलिंग मतलब क्या होता है, हीलिंग मतलब जो जख्मी होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए प्रेयर करना, जख्मी लोगों के लिए, ठीक है, उनको हील करने के लिए ताकि वो ठीक हो जाए, तो उसकी पोयम है। एक्चुअली में ये पोयम किसी इंसान के लिए नहीं है, ये प्रकृति के लिए है, ठीक है। द पोइट इज ऑफ द ओपिनियन दैट हिज फेलो पीपल डू नॉट प्रोटेक्ट द अर्थ विच प्रोवाइड अ गुड होम फॉर अस। पोइट कहता है कि जो लोग हैं, उसके जो साथी हैं, वो जो है बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं अर्थ को, ठीक है, वो अर्थ को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ही प्रेयर टू हिज फेलो बींग्स, वो अपने साथियों से प्रेयर करता है, अपने साथियों से रिक्वेस्ट करता है टू रिस्टोर द वाटर एयर फॉरेस्ट वेजिटेशन एंड फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा एंड फ्यूना होता है, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे वनस्पतियां, फौना मतलब एनिमल्स या प्लांट जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनसे। वो कहता है कि इन सब चीज़ों को रिस्टोर कर दो। रिस्टोर मतलब ये सब हमने खराब कर दिया, हमने अपनी प्रकृति खराब कर दी, पोल्यूशन हो गया है, ठीक है, एनवायरनमेंट को हमने इतना नुकसान पहुंचा दिया। वो कहते हैं इन सब चीज़ों को रिस्टोर कर दो ताकि ये चीज़ें जैसी पहले थी वैसी ही हो जाए। दे शुड नॉट पोल्यूट द सोर्सेज एंड स्टोर्स ऑफ हाउस, जितने भी वाटर स्टोरेज हैं उनको पोल्यूट ना करें। जैसे नहरें नदियां हैं वो खराब हो चुकी ना, आज मिक्स हो गया पोल्यूशन, तो वो कहते हैं इनको ठीक कर दो। दे शुड यूटिलाइज द सोलर एनर्जी एंड रिक्रिएट ह्यूमन कम्युनिटी। सोलर एनर्जी जो सूरज से एनर्जी मिल रही है उसको दोबारा से यूटिलाइज करें और रिक्रिएट करें ह्यूमन कम्युनिटी के लिए, एक नई लाइफ उनको दें, ठीक है। दे शुड लीव अ बेटर वर्ल्ड फॉर देयर चिल्ड्रन, कि आने वाले बच्चों के लिए अच्छा जो जीवन है, अच्छी दुनिया जो है उनके लिए वो बनाए। तो इसलिए पोइट जो है रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस सब चीज़ों को हील करें, ठीक है। ये सिर्फ इतनी सी पोयम थी, इसके बेस पे जो क्वेश्चन आंसर है वो पढ़ोगे आप और स्टैंजर्स पढ़ लोगे, ठीक है। नेक्स्ट पोयम है पोयम नंबर 20। एक्चुअली में ये पोयम नहीं है, है ये लेसन है, लेकिन है ये शॉर्ट, ठीक है। नंबर 20, न्यू गुड थिंग्स फ्रॉम रूइश। रूइश मतलब वेस्ट, वेस्ट से नई चीज़ें बनाना। वेस्ट से कैसे नई चीज़ें बनाओगे, इस बेस पे ऐसे टाइप क्वेश्चन आ जाता है कई बार पेपर में, ध्यान से सुनना। रिसाइकलिंग ऑफ रबिश हेल्प द एनवायरनमेंट, किसी भी रबिश जो मतलब जो कूड़ा करकट है उसको अगर रिसाइकल करें तो वो एनवायरनमेंट को उससे हेल्प ही मिलती है। वी सेव मनी, लेसन द पोल्यूशन, हम पैसे बचा सकते हैं, पोल्यूशन कम होगा उससे। सेव वैल्यूएबल रिसोर्सेज, हम वैल्यूएबल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं हमारे, अगर हम रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, क्योंकि जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज है जो बहुत कम हैं, अगर हम उनको ध्यान से यूज़ करेंगे तो वो आने वाले टाइम की जो जनरेशन है उनके लिए बच जाएंगे। इट इफ़ वी स्टार्ट रिसाइकलिंग यूज पेपर, अगर हम रिसाइकलिंग करें पेपर को, दोबारा से यूज़ करें, वी कैन सेव थाउजेंड ऑफ ट्रीज। पेपर को बार बार यूज़ करने से हम बहुत सारे ट्रीज को कटने से बचा सकते हैं, क्योंकि जब डिमांड कम होगी तो ट्रीज भी नहीं कटेंगे, ठीक है। थ्रो न्यू टेक्नोलॉजी वी कैन रीयूज पेपर मेटल ग्लास प्लास्टिक, नई टेक्नोलॉजी से हम पेपर ग्लास प्लास्टिक ये सारी चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं। प्लास्टिक इज द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्सटेंस, जो प्लास्टिक है वो सबसे डिफिकल्ट सब्सटेंस है, जिसकी डिफरेंट वेराइटीज हैं और उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। और ओनली प्लास्टिक स्क्रैप कैन बी रिसाइकिल इंटू द प्रोडक्ट ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, जो प्लास्टिक की स्क्रैप है वो इन्फीरियर, एक बढ़िया जो है इन्फीरियर क्वालिटी में होती है। हाउएवर अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कैन नॉट बी, लेकिन बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट, बहुत अलग अलग टाइप की प्लास्टिक है, कुछ प्लास्टिक की ऐसी चीज़ें हैं जो रिसाइकिल नहीं की जा सकती। मेटल कैन बी स्क्रैप्ड एंड रिसाइकिल, मेटल की स्क्रैप बना के उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। इट इज़ वेरी कॉस्टली, लेकिन ये कॉस्टली बहुत है, जैसे कुछ वैल्यूएबल मेटल होती हैं सिल्वर गोल्ड, इनको रिसाइकिल करना दोबारा से थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। अल्यूमिनियम इज आल्सो वर्थ रिसाइकलिंग, अल्यूमिनियम भी बहुत अच्छे से रिसाइकिल हो जाती है। ग्लास, ग्लास मतलब शीशा, इट्स आल्सो वर्थ रिसाइकलिंग, शीशे को जैसा आज है इसको पिघलाएंगे, ये लेड बन जाएगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा, पिघला के लिक्विड सा हो जाएगा, फिर दोबारा किसी भी शेप में बना दो इसको, ठीक है। द पीपल इन वेस्टर्न कंट्रीज थ्रो द यूज्ड बोतल इनटू बोतल बैंक, वेस्टर्न कंट्री में बोतल बैंक होता है, जितने भी वेस्ट बोतल होती हैं वो उसमें गिर देते हैं और फिर से उन बोतल्स को यूज़ कर लेते हैं वो। ब्रोकन ग्लासेस ऑफ मिक्स्ड कलर कैन बी यूज्ड ओनली टू मेक ग्रीन ग्लासेस, जो ग्रीन पेपर होता है उससे सिर्फ वो ग्रीन ग्लासेस भी बना सकते हैं, क्योंकि एक बार जब शीशे पे ग्रीन कलर आ गया तो वो ग्रीन ही रहेगा, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते।
The waste paper is popped, clean and bleached to be recycled. और वेस्ट पेपर भी इसी तरह से दोबारा से यूज हो जाते हैं। तो ये थी स्टोरी आपकी चैप्टर नंबर 20, ठीक है। ये आपके दो पोएम्स हो गए हैं इसमें इंक्लूड, ये भी इजी है, इसमें रिसाइकलिंग की बात हुई है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।